इंग्लिश मीडियम स्कूल न्यूट्रीशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सारा का सारा कवर कर चुके हैं ऑटोट्रॉप हेटोट्रॉप मोड ऑफ टूटेशन फिर सेल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाजम सारी की सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस अब हम लोग से देखते हैं कि लीव्स जो होती है ना अदर देन ग्रीन हैव क्लोरोफिल मतलब सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स में ही क्लोरोफिल नहीं होता है बाकी सारी जो लीव्स होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का क्या काम होता है क्लोरोफिल का, का काम होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना लीव को मगर जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मगर बाकी सारे जो कलर्स है कलर होते हैं ना लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन और अदर कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो क्या करते

चीज़ में पानी है नेचुरल चीज़ में जैसे कि लेक हो गया पौंड हो गया है ना तो वहाँ पे जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है तो आप लोग एक एलगी की ग्रोथ देखते हो एलगी क्या होता है आप देखते हो कि काई जैसी जम जाती है मतलब पानी क्या हो जाता है हरा हरा या फिर रेड रेड इस टाइप का हो जाता है तो वो चीज़ एलगी होती है एलगी ना जैसे ग्रीन कलर की होती है ना तो इसमें खुद की अपने पास मतलब इसके पास भी क्लोरोफिल होती है और इसके पास क्लोरोफिल होती है तो ये अपना खाना जो है ना ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस तो जो एल्गी है क्या है ये एक एनिमल की कैटेगरी में आता है है ना मगर ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है इसमें क्लोरोफिल होता है और फोटो के प्रोसेस से एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है अब आगे आता है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का मतलब होता है यूज़ करना है ना तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या खाना जो है प्लांट में होता है तो हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स ये बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं मतलब इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फ़ूड जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन जो प्रोटीन ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन होता है ना उसमें क्या होता है उसमें नाइट्रोजन होती है और जो प्रोटीन बनता है ना वो तभी बनता है जब प्लांट के पास नाइट्रोजन होती है अब प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है मगर जो प्लांट्स होते हैं ना वो हवा की नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं मगर क्या है कि जो सॉइल में ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में और उसको सॉइल में भेज देते हैं मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को तो फिर सॉइल में चली जाती है और ये नाइट्रोजन जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं फार्मर्स अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं फर्टिलाइजर्स

डैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामि तो इस तरीके से या तो बैक्टीरियाज की हेल्प से नाइट्रोजन यूज़ कर लेता है जो प्लांट है या फिर वो बाहर से ऐड करी जाती है फार्मर्स उसको ऐड करते हैं और जब नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो प्रोटीन्स और विटामिन वग़ैरह सारे के सारे बनाता है और अपना आराम से उसको यूज़ कर सकता है फिर प्लांट फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोगों ने क्या देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना ऑटोट्रॉपिक की वो अपना खाना खुद बनाते हैं मगर कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होती काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगी तो अपना खाना कैसे बनाएंगे खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का होना और वाटर का होना इन चीज देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ठीक है सनलाइट और क्लोरोफिल इन चीज़ों का होना इन चार चीज़ों का होना खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सहारा लेते हैं जैसे कि इंसान है हम लोग क्या है हम लोग हेटरोट्रॉप से हम लोग अपना खाना खुद मतलब नहीं बनाते हम तो पेड़ों से लेते हैं ना हम सिर्फ उगा सकते हैं मगर किस पे उगा रहे उगता तो पेड़ पर ही तो हम लोग पेड़ों से अपना खाना है फिर जानवरों से अपना खाना लेते हैं मगर जो पेड़ हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं मगर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपना खाना नहीं बनाते बना पाते तो इस तरीके के पेड़ों को हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा येलो से कलर की ब्रांचेस लटकी रहती हैं कई बार किसी एक प्लांट के ऊपर बिल्कुल दूसरा प्लांट येलो येलो सा कलर का बेल जैसा लटका रहता है अभी हम पिक्चर में देखेंगे तो आ, वो जो प्लांट है ना वो उस प्लांट का नाम है कसकोटा या फिर हम उसे अमरबेल कहते हैं ये प्लांट क्या करता है ये दूसरे प्लांट से चिपक जाता है और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशंस लेने लगता है और क्योंकि अमरबेल में खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो रेडीमेड बना बनाया खाना दूसरे प्लांट से लेता है उसके ऊपर चढ़ करके और प्लांट जिस पे वो क्लाइंब कर रहा होता है वो जिस पेड़ पर पे चढ़ा हुआ होता है उसको हम होस्ट कहते हैं और क्योंकि ये अपने होस्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव कर देता है क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेता है सारे के सारे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इस तरीके के प्लांट को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से मतलब ले, ले लेता है तो कस्कोटा को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक पैरासाइट है तो इस तरीके का प्लांट जो अपने होस्ट पे किसी दूसरे प्लांट पे एक तरीके से लटक जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है तो हम उसे पैरासाइट कहते हैं ये देखिए ये तो ग्रीन कलर का प्लांट है येलो येलो ये जो दिख रहा है ना ये कसकुटा चिपका पड़ा है प्लांट पे तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैरासाइट्स का एग्जाम्पल देना है कि पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल है तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकुटा और पैरासाइट क्या करते हैं दे टेक न्यूट्रियट फ्रॉम अदर प्लांट्स फिर आगे आता है आप लोगों ने सुना होगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खाते हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं तो इस तरीके के पेड़ जो होते हैं वो भले ही उसमें ग्रीन कलर हो मगर उनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं इसलिए वो दूसरे जानवरों को मेनली कीड़े मकौड़ों को खाते हैं तो इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट क्योंकि वो पिक्चर जैसा दिखता है घड़े जैसा दिखता है जग जैसा दिखता है इसलिए उसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं देखिए ये पिक्चर में हमें दिखा रखा है ये है पिक्चर प्लांट ये अपना खाना वैसे थोड़ा बहुत तो बना लेता है बट क्या करता है इसकी न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना तो ये देखिए ऐसे जग जैसा होता है इसका मुँह ठीक है ये ऐसा करके होता है वैसे तो इसके ऊपर ना लिड होती है लिड का मतलब होता है कोई भी ढकने की चीज़ तो ये ढका रहता है बट जैसे ही इंसेक्ट आता है ना इसके पास इनके पास कोई कीड़ा आता है ये अपनी लिड खोलता है अपना मुंह खोलता है और कीड़े को अपने अंदर ले, ले लेता है और अपना मुंह फिर बंद कर लेता है फिर क्या करता है ये फिर उस कीड़े में से जो है न्यूट्रियट्स वगैरह ये सारे के सारे निकाल लेता है अपने अंदर ले लेता है फिर ये इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में जब आ जाता है ट्रैप कर लेता है इसके अंदर ना कुछ बाल 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 जैसे होते हैं तो उसके अंदर कीड़ा वगैरह इंसेक्ट जो भी होता है वो फंस जाता है फिर अपनी लिड क्लोज कर देता है और इंसेक्ट उसमें फंसा रह जाता है फिर इंसेक्ट में से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो निकाल लेता है और अपना उसको खा लेता है तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट का तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना वो क्या हो गया हमारा पिचर प्लांट ये इंसेक्ट खाता है ठीक है तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो हाँ इसीलिए तो वो क्या करते हैं मतलब वो सारे में से ले, ले पाते हैं ना इसलिए वो जानवर खाने लगते हैं कीड़े पकड़े अब हो क्या है कि अगर प्लांट ग्रीन है तो, और फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना खाना मतलब इंसेक्ट से लेता है? तो मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अपनी को पूरा करने के लिए अब आते हैं सेफरो ड्रोफ्स। सेफरो ड्रोफ्स क्या होते है? आप लोगों ने पैकेट देखे होंगे है ना और आप लोगों ने कई बार क्या होता है ऐसी कई बार आपको उगी हुई दिखती है तो ये मशरूम जो है और ये अम्ब्रेला लाइक जो जो स्ट्रक्चर होता है जो सड़ी हुई लकड़ी वगैरह पे उग जाता है ये भी क्या होता है एक तरीके का न्यूट्रिशन का मोड होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं फिर हमें एक्टिविटी बता रखी है कि हम अगर ब्रेड लें ब्रेड को हम लोग तीन चार दिन गीला करके उसको छोड़ दें तीन चार दिन बाद देखेंगे तो उस पर ग्रीन ग्रीन सा ब्राउन ब्राउन सा कुछ लेयर्स ही जम के आ जाती है उसको हम लोग कहते हैं फंगस तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म ये जो हमें ब्रेड पे दिख रहा है ना ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा और हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा इसको हम लोग बोलते हैं फंगस फंगी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये क्या करते हैं दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिय द ब्रेड मतलब ब्रेड में से न्यूट्रिय अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गैनिज्म इन न्यूट्रिय फ्राम डेड एंड डिकेंग मैटर इस कॉल्ड सेफ्रोड्रोफिक न्यूट्रीशन तो सेफ्रोड्रोफ क्या होते हैं कि मतलब कोई चीज सड़ जाती है सड़ जाती है या कोई जानवर मर जाता है तो उस जो कोई चीज सड़ गई कोई जानवर मर गया उसमें से अगर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब जो चीज डेड हो चुकी है डिके हो चुकी है उससे अगर कोई जानवर अपना न्यूट्रिशन ले रहा है अपना खाना ले रहा है तो वो होता है सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर्टकॉर सेफ्रोट्रोफ्स और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से खाना लेते हैं इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेफ्रोट्रोफ्स बोलते हैं फंगस जो है वो पिकल पिकल होता है अचार लेदर पे कपड़ों पे और मतलब बहुत सारी जगह ये ग्रो करता है ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर जाता है तो हॉट और ह्यूमिड वेदर होना चाहिए इसके लिए मतलब गर्मी होनी चाहिए और ह्यूमिड ह्यूमिड का मतलब होता है नमी होनी चाहिए काफ़ी लंबे समय तक इसलिए क्या होता है बरसात के मौसम में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं फंगस के जो स्पोर होते हैं ना फंगल स्पोर्स जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एयर में और जब भी इनको हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाता है हॉट और मतलब थोड़ा गीला एन्वायरमेंट मिल जाता है उस पर बैठ जाते हैं जर्मिनेट करने लगते हैं ग्रो होने लगते हैं मतलब मतलब बढ़ने लगते हैं तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं इससे तो भाई नमी नहीं बढ़ने दीजिए और कोई चीज गर्म नहीं ना रखें बहुत ज्यादा और उसमें मतलब गर्म हो तो उसमें नमी ना हो अगर नमी नहीं होगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगी